आज हमन पहुँचे हवन वनांचल के एक ठे छोटकन गांव मा राजपुर, जहाँ खेमिन बाई निषाद पिछले कई साल ले पंडवनी के गायन करते। आओ ओकर निवास पहुँच के ओकर जीवन के बारे में, पंडवनी गायन के बारे में मुलाकात कर आप सबला रूबरू कराबो। खेमिन निषाद जी, आज हमार दहाकर न्यूज चैनल में आप मन के स्वागत है। धन्यवाद। जय जोहर जी। आप ये वनांचल के छोटकन गांव में रहते हो और आपला ये पंडवानी के जो गायन के कला है, कहाँ ले सीखे बर मिलीस? आप अपन गुरु कौन ला मानते हो? मोर गुरु है जीवन लाल निषाद, ग्राम मेघा से, जिला धमतरी, आदर्श ग्राम मेघा, और वहाँ मेघा मोर जन्मभूमि गाँव है। आपला ऐसे का लगीस कि ये क्षेत्र में मोला जाना चाहिए और ये में मोला आगे बढ़ना है? कहाँ से प्रेरणा मिली? किस टाइप के अपन मन में आप मन कैसे है? भैया, मोर माँ है ना, मैं जब 10 साल के रही हूँ तो मोर माँ हाँ रामायण गाई कर रही से, रामायण में जाए तो मैं अपन माँ के साथ में जाऊँ। ऐसे ही से मोला वो बहुत मतलब ज्ञान मिली मोला कि मोर माँ रामायण गायिका है और संगीत से, कथा से ये मन सब बहुत अच्छा रहते। एक स्थिति में हाँ अपना कि पहले रामायण में जात रही हूँ, पहले रामायण का बत रही हूँ माँ के साथ में, और उगर बाद में मोर गुरु मिलीश मोर गावेज के हरे, मैं जीवन लाल निषाद है, मामा के रिश्ता हरे, तो किस की भांची है रामायण में जाते। अब 10-12 साल की हूँ, 12-13 साल की हूँ ना, तो मैं वो बहुत विख्यात पंडवानी गायक है, 18 पर्व महाभारत ला ऐसे मुखाग्र बोलने वाला है मोर गुरु है, स्वर्गीय श्री जीवन लाल निषाद जी, प्रणाम करत हूँ मैं चैनल के माध्यम से। तो मोर गुरु है कि ही सा के मतलब मोला ये भाची है रामायण वामायण में जाते, रामायण गायिका है, तो ये हमन पंडवानी सिखा देते, महाभारत सिखा देते जी। आज के समय में जो लोगन मन हाँ डांस गीत और एक जो मॉडर्न संगीत को और सबके लगाव है, सब और भागते आज के युवा मन हाँ, वहाँ आप ये जो पंडवानी के गायन हैं बोला किस प्रकार चुन के आगे बढ़े हो आप? अब वो पंडवानी के गायन टीवी में देखन माता राम लतीजन भाई ला, और एक रही से तीजन भाई रही से मीणा साहू रही से, ये मन सब देखन ना, तो हमन छोटे छोटे रहन तो इसे लगे हमारे गाँव मन में आवे, मेघा में आवे, तो लगे कि हमन इसने सीख जान, बहुत ही अच्छा लगी इस मतलब पंडवानी के लाइन है। तो मैं रामायण छोड़ के मोर गुरु है चलो तोल भजन सिखाऊँ, मोर माँ पापा मन लिहिस कि भजन सिखाऊँ भाँची ऐसे करके, तो मोर माँ बाबू जी मन भी मना नहीं करी सुना। अब के समय में जैसे बाँस गीत हो गए और पंडवानी हो गए या जो स्थानीय जो ददरिया है, ये सब के क्षेत्र में कलाकार बहुत कम देखे पर मिलते, और आज के समय में आप ये पंडवानी ला जीवित रखे हो, छत्तीसगढ़ के दो जो एक मुख्य कला है, तो इला जीवित रख के लोगन ला ये बारे में का संदेश देना चाहते हो आज के लोगन ला? भैया, ये मन हमारे संस्कृति की धरोहर है ना, है ना, पंडवानी और खड़ी नाच है, राउत नाच है, वह सुआ है, सुआ ददरिया पड़की है नी, और चंदैनी है वह बाँस गीत है वह बहनी मन सुंदर पड़की नाच थे, ये मन सब हमार छत्तीसगढ़ की धरोहर है, और एला हमन उजागर करे बर बहुत प्रयास करत हन, आने वाले हमार पीढ़ी भी, आने वाले हमार भविष्य भी, हमार संस्कृति ला छुपन मत देवे, दबन मत देवे, एकर लिए भरकस प्रयास है भैया, और एकर सेती हमन पंडवानी ला ज़्यादातर के महत्व देते हैं, ज़्यादातर के हमन अपनाए हैं पंडवानी ला। आपके जीवन में ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके सीखे के बाद पहली बार आप मंच में कार्यक्रम देहो हो, का आप याद है भाई पहली कार्यक्रम आप कहाँ दे? हाँ भैया, जब मैं 12 साल के रही हूँ मोर गुरु मोर भजन सिखाई, मोर गुरु जीवन लाल निषाद ना 3 दिन तक रेसल बिठाईस मोला, और मोर ये पारा ले वो पारा बहुत दूर दूर है घर है हमार मन के, तो मोर बाबूजी है रात के समय में रेसल में आऊ पाया, तो मोर बाबूजी के साथ मोर बाबूजी लेके जावे, तो ऐसे ऐसे 3 दिन रेसल में बिठाई से, ओकर बाद गजानंद पक्ष रही जब मोर गुरु सिखाई था सिखावत रही था, तो हमार बस स्टेशन में हमार मेघा के गजानंद माड़ है, तो वहीं मोर गुरु जी है किस की नहीं मिले कल सिखात हूँ, तो हमार श्री गणेश यही कर देता ऐसे कह के, तो हम मेघा
मोर जन्मभूमि गाँव हम मेघत छ जहाँ मैं जन्म ले हूँ, जहाँ मैं पढ़े लिखे हूँ, जहाँ बाढ़े हूँ और जहाँ मुझे ये ज्ञान के कला के मार्ग मिले, इस रास्ते मिले, शिक्षा मिले है, वहीं मोर कार्यक्रम श्री गणेश हुए। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहबो हम, ऐसे कौन जगह है जहाँ आप कार्यक्रम दे हो, अपन जीवन में कई कार्यक्रम दे हो, जहाँ के कार्यक्रम में आपला सबसे ज़्यादा खुशी हुई सुही, सबसे ज़्यादा खुशी मिली सुही, ऐसे कौन से जगह के कार्यक्रम हैं? भैया जब मैं हाँ कार्यक्रम तो देते रहे, जगह जगह हम लोग मान सम्मान भी मिला थे, कहते नहीं मन हरे तब धन हरे हैं, जब हमार कला अच्छा रही तो लोग सब मानते, पर जगह जगह मान सम्मान मिलते रही। फिर सबसे ज़्यादा खुशी मिला हमारे छत्तीसगढ़ के राजिम जहाँ कुंभ चालू हुई से है ना, और वहाँ में है छत्तीसगढ़ हमारा राज्य में कार्यक्रम देव ना बड़े मंच में, पर्यटन मंच में, तो वहाँ मुझे सम्मान मिलीस तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी मिलीस। हमला आपके जो पांडवानी के कुछ अंतरा है, कुछ झलक है कुछ सेकंड के, हम सुनना चाहबो का आप सुनाओ? जी भैया सुनात हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय, राम की समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो शीतला मातेश्वरी की जय, गणपति चरण मनाई के व्यासी देव धरि ध्यान, महाभारत भाषा रची सबल सिंह चौहान, हे गुरुदेव अपने दास पर इतना दया करो, अपनी दया के हाथ मेरे सर पर रखा करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरी सना ना 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 मोहा, पर बिना बजावत हरे गुण गावे भाई, अब भरे सभा में अनगा मोर भाई, आके सभा में लाजबा चानगा मोर भाई, हरे गणपति चरण मनाई के व्यास देव धरे ध्यान, महाभारत भाषा रची तब सबल सिंह चौहान। राजा जन्मेजय दोनों हाथ जोड़ के गुरु वैशंपायन मुनि के सामने चले, बोले कहे गुरुदेव आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु वैशंपायन जी मुनि बोले जन्मेजय मोर शरण में आए के कारण का है? तो राजा जन्मेजय कहे गुरुदेव आपके शरण में आए के कारण मोर एक ही है, जो मोर ये अंग दिखत है, मोर तन दिखत है, पूरे अष्ट अंग में 18 प्रकार के कुछ रोग है, सो रोग ला दूर करे के खाती मैं आपके शरण में महाभारत कथा सुने बर आए हूँ, मोर वंश के इतिहास सुने बर आए हूँ। गुरु वैशंपायन जी कहे बेटे, गुरु वैशंपायन मुनि कहे बेटा तो तन के रोग दूर करना है, और सही बात है संतो कि राजा जन्मेजय के तन में 18 प्रकार के कुष्ठ रोग रही से। भैया कथे महाभारत कथा साधारण नो है, महाभारत कथा सुने ले गौदान के फल मिलते, गंगा स्नान की फल मिलते, यम के फांसी ले छुट्टी हो जाते। जो इंसान श्रद्धा सहित महाभारत कथा श्रवण करे शरीर के सर्व पाप सर्व दुख सर्व रोग दूर हो जाते। जी बहुत अच्छा लगी आपके जो कला है, आपके जो आवाज़ है। अंत में हम आपसे एक ठन चीज अब ये जानना चाहबो कि आज ये पांडवानी के कला के क्षेत्र में आज के जो युवा लोगन हैं ओला आप का संदेश देना चाहबो? अब हम यही संदेश देना चाहतन भैया कि जिन हम कोई हमरो आगे अपनाए रही से है ना, पांडवानी ला महाभारत प्रचार ला हमार आगे कोई अपना रिसोला देख के हम न सीखे हैं, तो हम न जब तक के जहाँ तक के चली ही गाड़ी है।